झी 24 तास एक पाऊल पुढे. अगदी सुरुवातीला स्पॉटलाईट टाकूया नंदिता दासच्या नव्या इनिंगवर. बॉलिवूडमधली एक संवेदनशील अभिनेत्री म्हणजे नंदिता दास. नंदितानं नेहमीच आपल्या फॅन्सला सरप्राईज केलंय आणि आता पुन्हा एकदा नंदिता आपल्या चाहत्यांना सुखद धक्का देण्यासाठी सज्ज झाली, कारण नंदिता आता निर्मितीच्या क्षेत्रात उतरली. तेव्हा याच निमित्तानं तिच्याशी केलेली ही खास बातचीत. कधी अभिनेत्री तर कधी समाजसेविका, तर आता निर्माती म्हणून आपल्या समोर आली आहे नंदिता दास गट्टू या फिल्मच्या मार्फत. नंदिता, काय सांगशील? गट्टू एक आगळी वेगळी फिल्म आहे, लहान मुलांची फिल्म आहे, काय सांगशील फिल्म बद्दल? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कई अलग अलग हैट्स पहनती हूँ, तो अभी प्रोड्यूसर के तौर हूँ. और ये एक बहुत ही चार्मिंग कहानी है, जो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा सपना है कि वो आसमान में उड़ती हुई जो पतंग है काली, उसको वो काटे. और ये कहानी 80 मिनट में आप देखेंगे कि गट्टू की क्या जर्नी है, कि वो किस तरह से एक स्कूल में पहुँच जाता है क्योंकि वहाँ की छत सबसे ऊँची है, और किस तरह से अलग अलग मस्तियों करते करते वो काली को किस तरह से काटता है. नंदिता ओळखली जाते आपल्या अभिनयासाठी, आपल्या ऍक्टिंग स्किलसाठी, आणि या फिल्ममध्ये नंदिता कुठे दिसणार नाही आहे का? मी पीछे हूँ, नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि अध्यक्षा होने के नाते चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की मेरा कर्तव्य होता है कि मैं इंश्योर करूँ कि एक अच्छी फिल्म बने और वो बच्चों तक पहुँचे, ना कि मैं उसका हिस्सा बन जाऊँ. तो मुझे मज़ा वैसे भी आता है अलग अलग चीज़ें करने में. एक्टिंग भी की, एक मराठी फिल्म भी की है मैंने, माती माए. डायरेक्शन भी किया मैंने फिराक का, और अब प्रोड्यूसर. तो एक तरह से फिल्म के अलग अलग जो पहलू होते हैं उनको मुझे भी खुद सीखने का मौका मिला. नंदिता दास आम्हाला 1947 अर्थमध्ये पतंग उडवताना दिसलेली आणि या फिल्ममध्ये ही पतंग दिसते, तेव्हा पतंगचं काय रिलेशन? अतच रिलेशन आहे. वो 1947 अर्थ में जो मैंने आमिर खान के साथ पतंग उड़ाई थी, वही मेरा पतंग का एक्सपीरियंस वैसे है. लेकिन उससे मुझे तब भी मुझे याद है कि बहुत मज़ा आया था ये देखकर कि अलग अलग छतों पे लोग अपनी अपनी जगह पतंग उड़ाते हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड है. तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसकी टैग लाइन है लगा ले पेच, यानी एक दूसरे से भिड़ जाओ, लगा लो पेच, यू नो. सो इट्स अ फन फिल्म, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर आप भी देखेंगे बड़े भी. आज हमने 100 प्रिंसिपल्स को दिखाई. आप सोचते हैं प्रिंसिपल के नाम से हम लोग सोचते हैं कि सीरियस लोग होंगे, उनको भी इतना मज़ा आया. सो आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ऑल ग्रोन अप्स. एकूणच नंदिता, अनेक फिल्म फेस्टिवल्समध्ये फिल्मचा समावेश झाला आणि फिल्म्सने अवॉर्डही जिंकले आहेत, याबद्दल काय सांगशील? देखिए, फेस्टिवल में जाती है तो खुशी तो ज़रूर होती है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स बहुत अच्छे फेस्टिवल्स हैं. बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जो दुनिया का पहले 3 फेस्टिवल में जिसका नाम आता है, गट्टू वॉज दी ओनली इंडियन ऑफिशियल एंट्री, तो ये बहुत ही प्रेस्टीज की बात है. वहाँ हमें स्पेशल मेंशन अवार्ड भी मिला. चाचू, अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या मुझे स्कूल में पढ़ाते? मैं इसे कई दिनों से देख रही हूँ, ये पढ़ने नहीं कुछ और ही करने आया है. आ दे तो सुबह से. एक शेवटचा प्रश्न, फिल्म मध्ये गट्टूचे जे पोस्टर आहे ते बॉडीगार्ड मधला सलमान जो आहे त्या स्टाईलचा आहे, त्याचं काय कनेक्शन आहे फिल्म सोबत? की आजकल के माहौल में जहाँ या तो सलमान खान चाहिए या कोई बड़े बड़े, जब तक नाम नहीं हो तो फिल्म की जगह बनाने में बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए हमने पहला टीज़र यही दिया था कि मैं सलमान नहीं हूँ, मैं गट्टू हूँ. ना सर, वी आर ट्राइंग टू से कि भाई गट्टू की अपनी जगह है, क्योंकि जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, जो आम बच्चा है, नेमलेस फेसलेस, उसकी भी अपनी एक जगह है, और उसकी कहानी कौन बताने वाला है अगर सारी सलमान खान वाली कहानियाँ होंगी. सो दैट वॉज द फन पार्ट दैट वी सेड कि मैं सलमान नहीं हूँ, मैं गट्टू हूँ, और उस गट्टू की एक प्राइड है, यानी हर बच्चे में जो गट्टू है वो हमने लाने की कोशिश की. खूब धन्यवाद नंदिता आमच्याशी इतक्या आपुलकीनी बोलली आणि या फिल्मसाठी तुला ऑल द बेस्ट. थँक यू व्हेरी मच. तेव्हा गट्टू हा सिनेमा लवकरच तुमच्या भेटीला येतोय, पण त्यासाठी जराशी वाट पाहावी लागणार आहे. झी 24 तास साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नरेश सह जयंती वाघधरे, मुंबई. झी 24 तास
एक पाऊल पुढे।